गुलबर्गा शहर में आज 1 जुलाई को नया सवेरा संगठन के प्रेसिडेंट मोदिन पटेल अनबी के जन्मदिन के मौके पर गवर्नमेंट डिफेंडम यानी नाबीना और गूंगे बच्चों के स्कूल में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया है। मोदिन पटेल गुलबर्गा शहर में एक सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस पार्टी लीडर की हैसियत से कई खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और ये अपने जन्मदिन के मौके पर हेल्थ कैंप और इस तरह के डिफेंडम स्कूल में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इस मौके पर मोदिन पटेल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने यहाँ गुलबर्गा साउथ एमएलए आलम बरू पाटिल, सैयद नजीरुद्दीन मुतवली, खाजी फैसल सिद्दीकी, नवाब खान, डॉक्टर चंदा हुसैनी, मंजूर बिखार, गेसुदराज, बीडी हवालदार, अंसारी, मल्लिकार्जुन, महबूब साहब और दीगर कई लोग यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने मोदिन पटेल को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश कर लंबी उम्र की दुआएं दी हैं और मोदिन पटेल ने अपने जन्मदिन के मौके पर सभी का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। आज हमारे पार्टी के वर्कर और नेता मेरे दोस्त मोदी पटेल का जन्मदिन 40 साल का जन्मदिन हम मना रहे हैं। वैसा मना रहे ये खेड़े गांव में पहले होके गरीब इसमें आके यहाँ सोशल वर्क कर करके पूरा तमाम गुलबर्ग के लोगों में उसका नाम पूरे सब तरफ है। आज भी उनके बर्थडे इधर आडम्बर से नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमान जमा ऐसा अनाथ आश्रम के वो बालकों के साथ में उनका बर्थडे बना रहे। मैं भी आए हैं पूरे इंस्पेक्शन करें और उनका बर्थडे में शामिल होकर भगवान उनको लंबी उम्र दे बोल के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम तमाम दोस्त अहबाब के लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है क्योंकि इस दौर में, इस पुराशोभ दौर में कुछ लोग अपने जन्मदिन को, अपने बर्थडे को फंक्शन हॉल में या फिर डिस्को डांस करते हुए मनाते हैं, लेकिन हमारे साथी, हमारे रफीकार जनाब डॉक्टर मोदिन पटेल साहब अनबी सदरनशीन नया सवेरा संगठन ने अपने जन्मदिन को माजूर बच्चों के साथ, बिलखसूस गूंगे और नाबीना बच्चों के साथ मनाया है। ये बड़ी खुशी की बात है और फिर इन्होंने आज अपने जन्मदिन पर यहाँ के तमाम बच्चों को अपनी तरफ से फुल नाश्ता भी दिए हैं, खुशी की बात है। मैं इस मौके पर डॉक्टर मोदिन पटेल साहब की खिदमत में इस शेर के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को हम सलाम करते हैं, जरा मुस्कुरा आपकी मुस्कुराहटों को हम सलाम करते हैं, बन जाए आपकी जिंदगी नेमतों से जन्नत, बन जाए आपकी जिंदगी नेमतों से जन्नत, ये दुआ हम तमाम दोस्त अहबाब सुबह व शाम करते हैं, ये दुआ हम तमाम दोस्त सुबह व शाम करते हैं। शुक्रिया। मैं मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज, साबिका सदर इंतजामी कमेटी जामिया मस्जिद मेराज गुलबर्गा। मैं सैयद नजीरुद्दीन मुतवल्ली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज हमारे डॉक्टर मोदिन पटेल अनबी, इन्होंने कई साल तक डॉक्टरी की प्रैक्टिस करके बाद में जो है ना सोशल वर्क करते हुए और कांग्रेस पार्टी के
एक अच्छे लीडर बन गए हैं। आज उनका 40वां बर्थडे है और वो बर्थडे तो हर आदमी हर जगह पर अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं और बड़े बड़े होटलों को जाके केक काटते हैं। इन्होंने एक आज अनहोना बर्थडे करके पूरे सोसाइटी में एक मिसाल कायम किया है, जो डफ एंड डम स्कूल में आके पूरे बच्चों के साथ शामिल होके उनके साथ बैठकर उनके सामने अपना सादगी के साथ बर्थडे मनाए हैं, तो जिसके बारे में हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई और हम शिरकत करके उनको भी उनके लाइफ में अच्छे अच्छे अचीवमेंट जो है ना जल्द से जल्द हासिल करें और अल्लाह उनको और तरक्की दे बोलते हुए मैं उनको बर्थडे की मुबारकबाद देते हुए। नानू महबूब बाशा हवालदार एच आई ओ संघटना कार्यदर्शि गुलबर्गा जिला वतियिंद नम्म आत्मीय मत्तु नन्न गेळेय मत्तु तम्मन सरियाद श्री मोदी डॉक्टर मोदीन पटेल अणबी अवरिगे नम्मेल्लर वतियिंद ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ತುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಮೂಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಣ್ಣವರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಜುಬಾಜು ಊರಿನವರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವತ್ತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಯಾ ಸೇವಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಂಪುರ ಪಾಟೀಲ್ರ ಆತ್ಮೀಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಇವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಜು यहाँ पर गुलबर्गा के पीएफ स्कूल में जो अंधे बच्चे और जो बात नहीं करते वो बच्चों के बीच में यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर हमारे साउथ के एमएलए जनाब अल्लमपुर पाटिल साहब यहाँ पर विजिट किए हुए और हमारे गवर्नमेंट एसोसिएशन के सदर सैयद नजरुद्दीन मुतवल्ली साहब, हमारे नवाब खान साहब और हमारे डॉक्टर चंदा हुसैनी अकबर साहब, हमारे मंजूर खार साहब, हमारे खाजा गेतुरा साहब और हमारे बीडी हवलदार साहब और हमारे अंसारी साहब और महबूब साहब और हमारे जो मल्लिकार्जुन साहब, यहाँ पर तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं मैं सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. तो हम हर साल जो बर्थडे मनाते हैं कि इससे पहले जो बर्थडे हेल्थ कैंप के तौर पे मनाए थे और उससे पहले क्या मालूम है जो IAS IPS और KS कोचिंग करवाए थे. मतलब एक हर एक बर्थडे पे क्या मालूम है कि एक पब्लिक को एक मैसेज देना है हमारे को, क्योंकि ये मैसेज देने का मतलब यह है कि हम जो मना रहे हैं जो जहाँ भी जहाँ पर मतलब होटल में वगैरह वो ऐसा ऐसे बर्थडे मनाने से क्या है, अगर हम ये मैसेज देंगे तो एक एक पब्लिक में एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाते हैं. इसीलिए मैं एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैसेज देने की. तो मैं तमाम हमारे जितने भी नया सवेरा संगठन के जिम्मेदार हैं और हमारे पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं और जो हमारे मानता संघावी साहब आए थे, मल्लिकार्जुन साहब आए थे और हमारे जो जितने भी और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर खाजी साहब डॉक्टर हमीद फैसल सिद्दीकी साहब भी आए हुए थे, मैं तमाम आए हुए सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू.